अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा कै खानी। जब लंका विजय के बाद प्रभु श्री राम के अयोध्या लौटने के दौरान राम नगरी के अद्भुत अलौकिक अति सुंदर परिदृश्य को दर्शाती रामचरितमानस की यह पवित्र पंक्तियां इस समय वर्तमान काल में अयोध्या में साकार हो रही हैं। जिस प्रकार 14 साल के वनवास के बाद जब प्रभु श्री राम अयोध्या लौटे तो उनके स्वागत में अयोध्या बहुत सुंदर और सजी धजी थी कि शोभा की खान लग रही थी, कुछ इसी तरह का अंदाजा रामलला के जब भव्य मंदिर में प्रभु श्री रामलला विराजमान होंगे तो पूरी अयोध्या सज धज कर तैयार हो जाएगी। राम राम दोस्तों, मैं भगवान राम का वंशज अभयवीर आपका चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आप चैनल में नए हों तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि राम मंदिर निर्माण कार्यों के साथ ही अयोध्या के विकास कार्यों की सबसे विश्वसनीय जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से प्राप्त होती है। अयोध्या में प्रभु श्री राम के दिव्य अलौकिक मंदिर के निर्माण कार्यों के साथ ही पूरी अयोध्या को पुनर्निर्माण किया जा रहा है। अयोध्या टूट रही है लेकिन अयोध्या का पुनर्निर्माण भी हो रहा है। अयोध्या सज रही है, संवर रही है और नई अयोध्या का स्वरूप आपको जल्द ही देखने को मिलेगा, क्योंकि जब रामलला दिसंबर 2023 के पश्चात जनवरी में अपने गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे तो पूरे अयोध्या का स्वरूप भी आपको बदला हुआ दिखाई पड़ेगा। अयोध्या में लगभग 32,000 करोड़ की योजनाएं आकार ले रही हैं। अब आप सोच सकते हैं कि अयोध्या में सरकार भारी निवेश कर रही है एवं आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अयोध्या का अभी कुछ दिनों पहले ही दौरा किया गया था, जहां पर बहुत ही सख्त निर्देश दिए गए कि यहां की विकास योजनाओं को बहुत तीव्र गति से चलाया जाए, जिसके कारण यहां पर योजनाओं की गति बढ़ गई और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले कई योजनाएं यहां पर मूर्त रूप ले चुकी होंगी। राम मंदिर के उद्घाटन के बाद यहां आने वाले लाखों राम भक्तों की सुविधा और सुरक्षा के लिहाज से पूरी अयोध्या को बेहतर तरीके से बनाया जा रहा है और अयोध्या में जो भी टूट फूट हो रही है, जो भी निर्माण कार्य हो रहे हैं, वह अयोध्या के विकास से प्रेरित हैं। त्रेतायुगीन अयोध्या के भव्य स्वरूप को निकालने के लिए यहाँ की सड़कों को चौड़ीकरण करना अति आवश्यक था। वर्तमान में आप जहाँ भी अयोध्या में जाएंगे वहाँ तोड़फोड़ एवं अयोध्या का पुनर्निर्माण कार्य किया जा रहा है और सड़कों के चौड़ीकरण में सबसे बड़ी जो चुनौती है वह रामपथ के निर्माण कार्यों में आ रही है और वर्तमान परिस्थिति में लगभग 30 से अधिक मंदिर एवं 14 से अधिक मस्जिदों को विस्थापित करने की योजना बनाई गई है, जिसमें अधिकांश मंदिरों को तो विस्थापित कर लिया गया है लेकिन जो मस्जिदें हैं उनमें कई कानूनी अड़चन भी आ रही है। और मैंने आपको पूर्ववत वीडियो में जानकारी दी थी कि रामपथ के निर्माण कार्यों में जो खजूरी मस्जिद है उसके विषय में हाईकोर्ट में मामला चला गया था और इस पर अभी निस्तारण न होने की वजह से अभी यह मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है। इस कारण से अयोध्या के विकास कार्यों को गति देने में काफी विलंब हो रहा है। अयोध्या में मुख्य रूप से रामपथ, भक्तिपथ, जन्मभूमिपथ के साथ ही 14 कोसी एवं 5 कोसी परिक्रमा मार्ग को भी चौड़ा किए जा रहा है। सामने आप देख सकते हैं कि यह पौराणिक महत्व वाले 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है और जहां पर जिन जिन दुकानदारों को यहां से हटने का आदेश दिया गया था उसका पालन न करने पर उन्होंने इस पर कार्रवाई की और चौड़ीकरण यहां पर लगभग 20 मीटर के आसपास किया जाएगा, क्योंकि 14 कोसी एवं 5 कोसी परिक्रमा मार्ग पर सभी श्रद्धालु नंगे पांव परिक्रमा करते हैं, अतः इन सड़कों को कोमल एवं बेहतर बनाया जाएगा ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार से परिक्रमा करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। पौराणिक महत्व वाले 14 कोसी एवं 5 कोसी परिक्रमा मार्ग की पूरी तरीके से DPR तैयार कर लिया गया है एवं जिन लोगों की भी भूमि इसमें जा रही है उनको उचित मुआवजा देकर के चौड़ीकरण का कार्य तीव्र गति से किया जा रहा है। वर्तमान में राम मंदिर का निर्माण कार्य अभी पूर्ण भी नहीं हुआ है लेकिन 25 से 30 हजार श्रद्धालु
दिन प्रतिदिन अयोध्या आ रहे हैं और पूरे अयोध्या में निर्माण कार्य भी चल रहे हैं, अतः इससे बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल मंदिर बनने के बाद यह श्रद्धालुओं की जो संख्या है यह 5 गुना तक बढ़ सकती है और अयोध्या 2031 मास्टर प्लान के तहत 133 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र बहुत तेजी से विकसित किया जा रहा है। इस मास्टर प्लान की जो सबसे बड़ी खासियत है वह एक प्लांट सिटी बनाने की है, ताकि यहाँ पर सब चीजें सुव्यवस्थित हों, चाहे वह होटल के निर्माण हो, चाहे वह एयरपोर्ट का निर्माण हो अथवा भव्य एवं वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन का निर्माण हो, सभी चीजें बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से की जा रही हैं एवं रेलवे स्टेशन के ही निकट एक मल्टी लेवल पार्किंग का भी निर्माण कार्य चल रहा है और यह लगभग पूर्ण होने की अवस्था में पहुंच गया है। यानी अयोध्या में आपको जो भी निर्माण कार्य दिखेंगे वे सभी सुनियोजित हैं और एक बेहतरीन मास्टर प्लान के तहत अयोध्या विकास प्राधिकरण के द्वारा बनाए गए हैं। दोस्तों, अयोध्या के पुनर्निर्माण के संबंध में हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो इस चैनल का समर्थन करें, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि अयोध्या के विकास कार्यों के साथ ही राम मंदिर निर्माण कार्यों की सबसे विस्तृत और बेहतरीन जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से प्राप्त होती है। रामनगरी अयोध्या में पार्किंग के लिए बहुत विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं और मैं मल्टी लेवल पार्किंग के विषय में कुछ महत्वपूर्ण और जानकारियां साझा करना चाहूँगा कि रामनगरी में 5 स्थानों पर मल्टी लेवल पार्किंग बन रही है और टेढ़ी बाजार व कौशलेश कुंज के पास बन रही तीनों पार्किंग बनकर लगभग तैयार हैं एवं मंदिर खुलने से पहले यह पार्किंग भक्तों के लिए उपलब्ध हो जाएंगी और कौशलेश कुंज में लगभग 4.41 करोड़ रुपये से पार्किंग का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इसमें 38 दुकानें भी हैं जो कि भक्तिपथ निर्माण कार्यों में जो भी दुकानदार विस्थापित हुए थे उन सभी को यहां पर दुकानें उपलब्ध कराई गई हैं और इस प्रकार से संपूर्ण अयोध्या में जो भी दुकानदार विस्थापित हुए उन्हें समुचित मुआवजा दिया गया एवं जिन दुकानदारों की वास्तविक जमीन भक्तिपथ मार्ग में चली गई थी उनको उचित रूप से दुकानें भी आवंटित की गईं। अयोध्या विकास प्राधिकरण एवं PWD विभाग द्वारा राम नगरी को जाम से मुक्त बनाने के लिए ओवर ब्रिजों का एक जाल बिछाया जा रहा है और शहर में इस समय 7 ओवर ब्रिज बन रहे हैं, जिनमें 81.26 करोड़ लागत से फतेहगंज रेलवे क्रॉसिंग पर ओवर ब्रिज, 89.24 करोड़ की लागत से दर्शन नगर के पास रेलवे ब्रिज बन रहा है एवं मोहबरा श्री राम जन्मभूमि मार्ग रेलवे क्रॉसिंग पर भी ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य बहुत तेजी से किया जा रहा है और इस ओवर ब्रिज के उतरते ही सभी राम भक्त राम मंदिर तक बहुत ही आसानी से पहुंच सकेंगे एवं अयोध्या के विभिन्न क्रॉसिंगों पर बहुत अधिक भीड़ लग जाती है। इस कारण से यहां 6 ओवर ब्रिज बनाए जा रहे हैं और इन सभी ओवर ब्रिजों के बनने के बाद सभी राम भक्तों को बहुत अधिक सुविधा होगी और आपको बीच में कहीं भी रुकना नहीं होगा। राम मंदिर को जो बनाने वाली निर्माणाधीन संस्था है लासन एंड टूब्रो यानी LNT के इंजीनियर्स ही इन सभी ओवर ब्रिजों का निर्माण कार्य भी कर रहे हैं और जैसी कार्य प्रगति आपको राम मंदिर निर्माण कार्यों में दिख रही है ठीक उसी प्रकार की कार्य प्रगति आपको इन ओवर ब्रिजों के निर्माण कार्यों में भी दिख रही होगी, क्योंकि लगभग 3 से 4 ओवर ब्रिज अपनी अंतिम अवस्था में पहुंच चुके हैं और इतनी तेजी से ओवर ब्रिज आपको कहीं भी बनता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि यदि आप संकल्पबद्ध हैं और योजनाबद्ध तरीके से बेहतर तरीके से काम करते हैं तो आप सभी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। दोस्तों, त्रेता युगीन अयोध्या के हो रहे पुनर्निर्माण कार्यों के संबंध में हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको जरा भी पसंद आई हो तो इस चैनल का समर्थन करें, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें एवं कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें, इससे हमारे चैनल का उत्साहवर्धन होगा। धन्यवाद। राम राम। राम राम।